यमुनानगर में गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है। सड़क के बीचों बीच कार के बोनट पर शराब पी रहे थे कुछ युवक। बीजेपी के बड़े नेताओं के पोस्टर भी गाड़ी के पीछे लगे हुए थे। अब बीच सड़क पर शराब पीने की सूचना पाते ही जब पुलिस वहां पर पहुंची, तो वो पुलिस पर भी रोक मारते नजर आए और बार बार पुलिस के कहने पर भी वहां से नहीं हटे। उन युवकों का कहना था कि उनके बड़े रसूखदारों से पहचान है। वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया है अब संज्ञान। एसपी यमुनानगर का कहना है कि जांच की जा रही है इस घटना की और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये वीडियो मेरे संज्ञान में आया है, उसके लिए अभी मैंने डीएसपी हेडक्वार्टर का है, वो जांच करके देंगे, जिसके खिलाफ भी आएगी उचित कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई बनेगी वो हम जांच रिपोर्ट आने के बाद करेंगे और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए हम पुलिस पेट्रोलिंग उस एरिया में बढ़ाएंगे। हाँ, उनसे भी जो भी जांच में आएगा डीएसपी हेडक्वार्टर की जांच में। तो सर, इस तरीके की जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिले के अंदर? और ज्यादा पेट्रोलिंग करेंगे और जो इस तरह की हरकतें कहीं भी होगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये चुनाव का समय था, बहुत से लोग कार्यालय में आते हैं, ऑफिस में आते हैं बीजेपी के जो चुनाव कार्यालय है, और वहां से स्टिकर, झंडे और अन्य सामग्री जो प्रचार सामग्री है वो लेके जाते हैं। तो इस तरह बहुत से लोग चुनाव सामग्री को लेके जाते हैं, स्टिकर लेके जाते हैं, तो पार्टी के पास ऐसा साफ तो नहीं होता भी कौन ले गया कौन नहीं ले गया। उसमें से कुछ नौजवानों ने अपनी गाड़ी पे माननीय चौधरी कंवरपाल जी के स्टिकर लगा लिए, और मैंने भी उस वीडियो को देखा है। उन्होंने अभद्रता की है, शराब पी रहे थे बोनट पर बैठकर और पुलिस के साथ भी दुर्व्यवहार कर रहे थे। ऐसा होना उचित नहीं है और हम कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कानून का सम्मान करती है। मेरा आग्रह है सभी ऐसे लोगों से जिन्होंने स्टिकर लगा रखे हैं, कोई ऐसा काम न करें। अगर कोई ऐसा काम करता पाया गया तो प्रशासन उस पर कानूनी कार्रवाई करेगा, और प्रशासन को हमने सचेत भी किया है भाई जो ऐसे लोग पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी का नाम लेकर, उनके खिलाफ प्रशासन कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करेगा। लोग जोश में ऐसा करते हैं और उनको पता नहीं भी इसके परिणाम क्या निकलेंगे। लोगों को अच्छा नहीं लगता, लोग ये हमारा जिला शांत जिला है, यहाँ लोग बड़े अच्छे हैं, कोई भी ऐसी कार्रवाई करता है लोग उसकी निंदा करते हैं, और पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी भी इसकी निंदा करती है जो उन्होंने काम किया है, और उम्मीद करेंगे और वो ऐसा आगे से नहीं करेंगे और कानून अपना काम करेंगे। सभी से अपील है जिन्होंने चौधरी कंवरपाल जी के भारतीय जनता पार्टी के स्टिकर लगा रखे हैं, मेरी उन सभी से अपील है कि वो मर्यादा में रहें, कोई सार्वजनिक स्थान पर ऐसा काम न करें जिससे पार्टी की छवि या नेता की छवि खराब हो। अगर कोई ऐसा कार्यकर्ता पाया, ऐसा काम करता पाया गया, वो उसका खुद जिम्मेवार होगा, कानून अपनी कार्रवाई करेगा। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए यस टीवी के साथ।